अरे धीनी घड़ी धीनी भाग मारे, ओ जी धीनी घड़ी धीनी भाग सतगुरु, अरे सतगुरु आबिया जी मारे, एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलिए सतगुरु देव की। ओ धिन घड़ी धिन भाग मारे, धिन घड़ी धिन भाग मारे, धिन घड़ी धिन भाग सतगुरु आबिया जी मारे, धिन घड़ी धिन भाग दयालु घरे आबिया आबिया जी, दिन घड़ी दिन भा। बैठो भैया, अरे ऊंची पाल शब्द की जी ओ संतो, नीचो जमना ऊंची पाल शब्द की जी दी ओ संतो, नीचो जमनानी। साहिब कबीर जी, साहिब कबीर जी एक चेली, एक शिष्या हुई, एक चेली हुई जिनरो नाम हुआ बाई अमना, और बाई अमिया लिखियो कि ऊंची पाल शब्द री और नीचो जमना नीर। ये पूरी दुनिया ओम नाम के शब्द पर उपस्थित है, ये हमारी समाज की व्यवस्थाएं शब्द पर आधारित है। अब कैसे बताऊं कि दो अनजान आदमी है और एक दूसरे को नहीं जानते, और उसमें से दोनों का मिलना हुआ, एक व्यक्ति ने बड़े मीठा बोल दिया, दो शब्द मीठा कह दिया, तो कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन यदि मीठा बोल बोल दिया तो दोनों का मित्रता हो जाती है, दोनों का जीवन का रिश्ता बन जाता है। तो शब्द की माया, और बहुत लंबी चौड़ी पीढ़ियों रो रिश्तेदारी है, और कोई ब्याई जी एक आधो कोई शब्द खोटो बोल दियो तो वो सदियों की रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल जाती है। तो ये शब्दों की माया। संत गुरु महाराज एक शब्द के रूप में गुरु मंत्र देते भक्त को, और उस गुरु मंत्र के बाण पर बैठकर अपने जीवन की नाव को जो चलाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप लोगों में से कितने लोगों के गुरु हैं एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, जिनके भी गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ वो लोग मेरे साथ हाथों को उठाएंगे, बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। अरे ऊंची पाल
ऊंची आड़ शब्द की जी संतो नीचो जमनानी ऊंचो चढ़ने जो भी हो ऊंचो चढ़ने जो भी हो जी चौथी सिद्धि गिरे कबीर सतगुरु आविया जी हारे दिन घड़ी दिन भा दयालु घरे आविया 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 जी मारे दिन घड़ी दिन भा